सो हैलो एवरीबडी वेलकम टू एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल डेयर सीरीज डेली एंथ्रोपोलॉजी राइटिंग एंड एवेलुएशन सीरीज इसके अंदर हम रियल टाइम एवेलुएशंस करते हैं और अगर आपकी कॉपी के अंदर किसी भी तरह की गलतियां होती हैं कुछ भी इश्यूज uh, आ रहे होते हैं उन चीज़ों को जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सो so, अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपकी आंसर कॉपी को अवेल्युएट करूं तो प्लीज़ यू कैन सेंड इट ऑन दिस नंबर इस नंबर के ऊपर आप भेज सकते हैं एंड आई एल एवेलुएट द कॉपी चलिए सो so, शुरू करते हैं दिस आंसर इट वॉज अगेन गिवन बाय गिवन टू मी बाय एन एस्परेंट ब्रीफली डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन द मैरिज इन दर्ल्ड एंड ऑल्सो गिव एंथ्रोपलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लिविंग इन रिलेशनशिप ठीक है तो इसके अंदर बेसिकली इन्होंने बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश की है कि सबसे पहले मैरिज को डिफाइन कर दिया फिर उसके बाद जो है वो आपके पास फैक्टर्स के बारे में बताया कि इंडिविजुअलिज्म बढ़ गया है ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आ रही हैं लेकिन अगेन एक जो वायबल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो यहां पे मिसिंग है अब जो ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपने फैक्टर्स बताए हैं दो तरह के फैक्टर्स होते हैं इस चीज को ध्यान से सुनिएगा दो तरह के फैक्टर्स होते हैं एक होते हैं, हैं प्रॉक्सीमेट फैक्टर्स प्रोक्सीमेट फैक्टर्स जैसे अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन फेमनाइजेशन और फेमनिस्ट मूवमेंट्स प्रॉक्सीमेट फैक्टर्स जो कि एक इंसान को या फिर एक इंसान की जो व्यक्तिगत जिंदगी होती है उसको इंफ्लुएंस करते हैं एंड देन देर आर सेकेंडरी फैक्टर्स जो कि इस प्रोक्सीमेट फैक्टर्स के सेकेंडरी इंफ्लुएंस होते हैं जैसे राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म ठीक है राइज ऑफ इकोनॉमिक प्रेशर यह सारे जो है वो सेकेंडरी फैक्टर्स हैं ठीक है तो सबसे पहले जो स्पेस दिया जाना चाहिए वो इन प्राइमरी फैक्टर्स को दिया जाना चाहिए फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अर्बनाइजेशन की बात की अर्बनाइजेशन के अंदर आप लिखिए राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म इंडिविजुअलिज्म के बढ़ोतरी की वजह से जो मैरिज है वो पीछे छूट गई है फिर उसके बाद अर्बनाइजेशन के अंदर ही लिखिए राइज ऑफ सेकुलराइजेशन फिर उसी के अंदर जो है वो आप चीज़ों को लिख सकते हैं कि आपके पास जो है वो कंपल्सरी हायर एजुकेशन इन चीजों को लिख लीजिए करियर ओरिएंटेशन ये सारी चीजें जो है वो आपके पास स्ट्रक्चरल तरीके से आएंगी जब भी ऐसी चीजें पूछी जाती है जब भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो फैक्टर्स को पहले अप्रॉक्सीमेट फैक्टर्स लिखे जाते हैं उनके अंदर सब पार्ट्स बना के आप सेकेंडरी फैक्टर्स को लिखोगे दिस इज हाउ यू हैव टू डिजाइन दी आंसर ठीक है जी फिर उसके बाद बात आती है कि लिविंग इन रिलेशनशिप्स के जो है वो इंटरप्रटेशन आपको देने हैं अब इन्होंने इंटरप्रटेशन निकालने की काफ़ी बढ़िया कोशिश की है फंक्शनिस्ट व्यू दिया है स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट व्यू दिया है ठीक है एंड गेडन्स का व्यू दे दिया ठीक है उसके बाद तो बहुत सारे इन्होंने जो है वो व्यूज देने की कोशिश की है लेकिन जो अगेन एक जो करक्स है वो पीछे छूट गया रहता है सो so, नाइनटीन के अंदर हसन एंड हेल हसन एंड हिल ने जो है लिविंग इन रिलेशनशिप्स को स्टडी करना स्टार्ट किया या फिर लिविंग इन रिलेशनशिप जब यूरोप के अंदर डेवलप कर रहे थे तो उनको जो है वो स्टडी करना स्टार्ट किया और उन्होंने कुछ व्यूज दिए हैं जिसके अंदर ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चरल व्यू आता है या फिर फंक्शनिस्ट स्ट्रक्चरल व्यू आता है फंक्शनिस्ट व्यू आता है कन्फ्लिक्ट व्यू आ जाता है मार्क्सिस्ट व्यू आ जाता है मार्क्सिस्ट व्यू खैर कन्फ्लिक्ट व्यू के अंदर ही उन्होंने सबसाइड uh, कर दिया था साइको एनालिटिकल व्यू आ जाता है ठीक है तो उन्होंने इन व्यूज को इन परस्पेक्टिव को जो है वो लिखा था ठीक है तो हसन एंड हिल 1960 वाले काम से जो है वो आपको प्रेरणा ली है और उसके जरिए जो है वो आपको इन सारे व्यू पॉइंट्स को जो है वो आगे रखना है जो स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू कहता है स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू कहता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इट हैज बीन चेंजिंग जिसकी वजह से मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो भी चेंज होके एक एसोसिएशन की तरह बन गया है फिर उसके बाद जो फंक्शनलिस्ट व्यू है फंक्शनलिस्ट व्यू ये कहता है कि आपके पास जो है देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट आर लीडिंग टू द लेट मैरिजस लेकिन फिर भी आपको सेक्सुअल ग्रैटिफिकेशन तो करना है आपको वो कोऑपरेशन तो बनाना पड़ेगा तो उसके लिए जो है यू हैव लिविंग इन रिलेशनशिप एक जो नया संस्थान है एक नया जो इंस्टीट्यूशन है वो बन गया है फिर उसके बाद देर इज अ कन्फ्लिक्ट व्यू कन्फ्लिक्ट व्यू कहता है कि इन पैट्रियार्चिकल सोसाइटी आपके पास एक और अर्बनाइजेशन की आने की वजह से कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया मैरिज के इंस्टीट्यूशन की वजह से जिसकी वजह से जो मैरिज का संस्थान है वो अपनी लिजिटिमेसी लूज करके एक नया संस्थान जो है वो आपके पास बन चुका है फिर उसके बाद साइको एनालिटिकल व्यू आ जाता है साइको एनालिटिकल व्यू कहता है कि आपके पास जो है एक देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन यूर एक आपके दिमाग के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड ऑन दी अदर हैंड देर इज अ सेंस ऑफ लेजर एक सेंस ऑफ लेजर और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तो दोनों चीजें जब कंबाइन होती हैं तो उसका कम्बिनेशन स्वरूप जो है आपको लिविंग इन रिलेशनशिप दिखाई दे जाता है तो ये जो सारे के सारे व्यूज हैं देवर गिवन बाय हसन एंड हिल ठीक है उनकी नाइनटीन का जो काम है उसके अंदर जो है उन्होंने दिया था तो इस तरह से चीजों को आपको लिखना है ठीक है इन्होंने बहुत अच्छे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी कॉपी जो है वो खराब है कुछ भी है बहुत अच्छे से चीज़ों को लिखने की कोशिश की है बट देर आर सर्टन थिंग्स जो कि कुछ लेवल्स के ऊपर जो है वो मुझे मिसिंग लगी ठीक है तो इस तरह से इस आंसर को और ज्यादा जो है वो रिफाइन किया जा सकता था चलिए सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट कि मैं आपके जो है वो आंसर्स को चेक करूं आपको जो है वो गाइड किया जाए तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर इस नंबर के ऊपर कॉल कीजिए एंड इवेंचुअली आई विल बी अवेलेबल फॉर यू थैंक यू